टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रशिया यूक्रेन के बीच लगभग 3 महीनों से जंग जारी है। इस वजह से दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि बीते दिनों भारत की तरफ से गेहूं निर्यात किए जाने से कई देशों को खाद्यान्न संकट से राहत भी मिली थी, लेकिन बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश से गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने यह फैसला तब लिया था जब देश के कई हिस्सों में गेहूं का उत्पादन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं माना जा रहा था कि केंद्र के फैसले से लक्ष्य से पीछे चल रही सरकारी गेहूं खरीद प्रक्रिया को फायदा होगा और किसान निर्यात पर रोक के बाद एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए मंडियों को रुख करेंगे। लेकिन गेहूं के निर्यात पर रोक के बाद सरकारी खरीद के जो रुझान सामने आ रहे हैं वह बेहद असंतोषजनक आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार निर्यात पर रोक के बाद भी किसान मंडियों में गेहूं बेचने नहीं पहुँच रहे हैं। निर्यात पर रोक के 3 दिन बाद तक किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने को लेकर उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि निर्यात पर रोक के बाद यानी 16 से 18 मई तक मात्र 60 किसानों ने एमएसपी पर सरकारी मंडी में फसल बेची है, जिसके तहत इन किसानों से लगभग 1890 क्विंटल गेहूँ की खरीद की गयी है। जबकि देश के नक्शे में हरियाणा का करनाल प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है। रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी 25% किसानों ने गेहूं नहीं बेचा। इस पूरे सीजन में 25% किसानों ने रजिस्ट्रेशन के बाद भी गेहूं को एमएसपी पर नहीं बेचा है। असल में हरियाणा सरकार ने गेहूं को बेचने से पहले किसानों से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा था। 56,320 किसानों ने गेहूँ की फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था, जिसमें से लगभग 42,100 किसान अनाज मंडियों में आए, जबकि लगभग 14,120 किसान मंडी में फसल बेचने के लिए नहीं आए। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं के दाम पहले से ही एमएसपी से अधिक चल रहे हैं, जिसके चलते किसान फसल की कटाई के बाद से ही बड़ी संख्या में निजी एजेंसियों को गेहूँ बेच रहे थे। वहीं अब निर्यात पर रोक के बाद भी किसान मंडियों में गेहूं नहीं बेच रहे हैं, जबकि निजी एजेंसियों ने भी गेहूं खरीद की प्रक्रिया धीमी कर दी है। ऐसे में किसानों ने भी गेहूं को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसान अच्छे दाम के इंतजार में गेहूं को स्टॉक कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही निर्यात पर लगी रोक हटेगी और उन्हें गेहूं के बेहतर दाम मिलेंगे। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।